मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराने के मामले तो आपने बहुत से सुने होंगे, मगर नागपुर शहर के तहसील थाना क्षेत्र से मंदिर में चोरी का ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां तहसील थाने से सटे एक मंदिर में चोर ने हाथ साफ कर लिया, जबकि मंदिर और थाने की सुरक्षा दीवार एक ही होने से पुलिसकर्मियों सहित और भी लोगों का मंदिर के सामने से आवागमन लगा रहता है, जिसके बावजूद भी चोरी कर आरोपी थाने के सामने से निकला, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जानकारी के अनुसार नागपुर तहसील थाने से सटे श्री केतेश्वर मंदिर की दान पेटी से नकदी चोरी का मामला सामने आया है। हद तो यह है कि वारदात के बाद आरोपी थाने के सामने से निकला, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। प्रकरण सीसीटीवी में कैद हो गया है। समाचार लिखे जाने तक प्रकरण दर्ज होना बाकी था। गांधी पार्क स्थित तहसील पुलिस थाने से सटकर श्री केतेश्वर मंदिर है। मंदिर और थाने की सुरक्षा दीवार एक ही होने से पुलिस कर्मियों सहित और भी लोगों का मंदिर के सामने से आवागमन लगा रहता है। बुधवार की सुबह किसी ने मंदिर में प्रवेश किया, दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें से करीब 50 से 60 हजार रुपए की नकदी चोरी की। चोरी का पूरा घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज में दिख रहा है कि वारदात के बाद जब आरोपी मंदिर से निकला तो उस पर श्वान भौंक रहे हैं। श्वानों से बचते हुए आरोपी चोरी का माल लेकर तहसील थाने के सामने से गुजरते हुए दिख रहा है। बारिश के कारण मंदिर के सामने कीचड़ में आरोपी के पैरों के निशान भी साफ तौर पर दिख रहे हैं। सुबह घटना का पता चलते ही मंदिर के पदाधिकारियों ने प्रकरण की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। माझ्या नाव आहे मनोहर शंकरराव पत्रीवार। हे रात्रीला 3 दरम्यान या मंदिरात चोरी झाली आहे। 3 तारखेला 3 वाजता 4 दरम्यान पहाटे आम्ही सकाळी मंदिरात आलो, काही मंदिर खुलली दिसलेली पेटी मंदिरात। माझ्या मुलगा आता सकाळी तो सकाळी 6 येते मंदिरात, ड्युटी जायला पडते म्हणून तर तो पाहिला तर पप्पा म्हणे पेटी फुटली आहे। मग आम्ही अध्यक्षाला फोन लावले, ते सर्व लोक आले नंतर 60 ते 70 हजार रुपये होते। ही सामनेच्या दरवाज्यातून आला यावल्या इकडच्या झाडाकडनं इकडनं आणि ज्या ते वेळेस तो इकडनंच गेला आणि ती थैली त्याच्या खांद्यावर लटकली आहे आणि समोर तिथं आला तर कुत्रा इथं त्याच्यावर भुकून राहिले। ते सगळं टीव्ही मध्ये दिसून राहिलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN News नागपूर।